जय श्री राम, जय जय श्री राम दोस्तों। तो समय हो चुका है रात के 1:10 और सेवादारों की तादाद बहुत ही ज्यादा है इस समय भी। आप देख रहे होंगे ये क्या कर रहे हैं, तो आपको हम ले चलते हैं पहले इस साइड। ये बड़े बड़े मुंह देखकर आपको पता चल जाएगा आज दशहरे का दिन है और ये क्या कर रहे हैं। जी दोस्तों, ये बना रहे हैं पुतले, लेकिन समय समय रात का 1:10 और पुतलों को बनाना जो काम है बनाने का वो जारी है। अभी ये पहले रोल करके आए हैं अपना, आज रामलीला का समापन था, पहले इन्होंने अपना रोल ख़त्म किया 11-12 और फिर यहाँ पर आ चुके हैं। और यहाँ पर रावण के पुतलों की अंतिम तैयारी है, जो रावण को कपड़े पहनाने का काम है वो किया जा रहा है। और आप देख सकते हैं कोई कपड़े पहना रहे हैं, कोई कील लगा रहे हैं, और ये काम है जो ये जारी है जोरों शोरों से। इधर रावण का लगेगा इसके ऊपर मुंडी मुंह, और 10 सिर जो हैं वो बनाए हुए हैं इसके, वो लगाए जाएंगे। ये अभी पहला ही पुतला है, ये अभी इसके बाद 2 पुतले और हैं जो उनका भी मटेरियल आ चुका है, वो भी तैयार होगा। और ये जो पुतला बन रहा है ये किसका पुतला बन रहा है, आप हमें थोड़ा बताएं। ये रावण का पुतला बन रहा है। ये रावण का पुतला है, इसकी कितनी हाइट रखी जाएगी कुछ बताएंगे आप? इसकी तकरीबन 15 हाइट को लेकर हम चल रहे हैं। अच्छा, तो हो सकता है कि 3-4 और ज्यादा हो जाएगी, मतलब 20 के ऊपर ऊपर ये बनेगा पुतला। बिल्कुल। और इसमें क्या क्या मटेरियल लगाया आपने, ये जो इसका बॉडी बनाई है अभी, ये क्या क्या डाला आपने इसमें? इसमें बांस। अच्छा, सबसे पहले नीचे बांस की लेयरिंग की गई है, इस पे बांस लगाए हैं, और फरे का इसका जो ढांचा है वो फरों से तैयार किया गया। फिर घास पराली जिसको बोलते हैं उसको, और ऊपर ये जो कपड़ा लगा रहे हैं इसके ऊपर लोहान लगेगा, इसके ऊपर इसको इसका पहनावा पहनाया जाएगा जो लास्ट अंतिम ऊपर होगा। हाँ, बिल्कुल। तो ये मैंने सुना है ये आपको बनाते बनाते कम से कम 20 हो गए हैं, इसको इतना समय क्यों लगता है, क्या मतलब कारागरी जहाँ पर जरूरत होती है, और क्या इसकी जो मेहनत है ये बहुत बड़ी मेहनत है। हमारे एक कलाकार हैं अश्विनी जी, ये उन्हीं की देखरेख में सारा जो चल रहा है काम, ये उन्हीं की देखरेख में चल रहा है। अच्छा। हेड तो इस कार्यक्रम के वही हैं। ठीक है, ठीक है। तो सारी मेहनत उन्हीं की है, हम तो उनके मार्गदर्शन हेल्पर समझो। बिल्कुल। तो उनकी हेल्प के लिए हम आए हैं। तो ऐसे आप कितने पुतले बनाएंगे, ऐसे जैसे जो रावण का बनाया है? ऐसे 3 पुतले बन जाएंगे, 3 पुतले। एक रावण का, कुंभकर्ण का और मेघनाथ का। उसमें हमने एक सीता मैया की कुटिया भी बना रखी है, वो अच्छा, वो जो आगे वो जो फ्रेम उधर पड़ा हुआ है, जूम करके दिखा दूं आपको उसका, वो जो फ्रेम है वो सीता माता की कुटिया है। हाँ जी, उससे छत वगैरह उधरी डाला जाएगा। अच्छा, तो इसमें जो आप फिलिंग कर रहे हैं अभी, जो पटाखे वगैरह डालते हैं वो आपने डाल दिए होंगे साथ? पटाखे वगैरह अभी लगाने हैं, इसके ऊपर लगाएंगे पटाखे, वो जो अष्टबाई वगैरह चलेगी। अच्छा, इसके बीच में जाएगी। अच्छा, बाकी जो थोड़ा कवरिंग है वो जो नॉर्मल है वो दे चुके हैं आप? हाँ। अच्छा, तो ये अभी ये जहाँ पे बन रहे हैं इसको उठा के फिर वहाँ पे ले जाएंगे आप, जहाँ पे हम रेडी पूरा तैयार करके ट्राली में डालेंगे इधर से, और इसके वो जो रावण दहन की जो आपने जगह चुनी है वहाँ पे ले जाएंगे, वहाँ पे खड़ा कर देंगे। अच्छा, तो अभी जैसे मैं देख रहा हूँ समय रात के 1:20 लगभग 1:30 का टाइम हो चुका है, तो अभी ये कितने बजे तक सुबह तैयार हो जाएंगे? ये सुबह लगभग अगर पूरी रात काम चलेगा तो 3-5 तक, 5-6 बज ही जाएंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, तो आप देख सकते हैं ये एक कर्मठ सेवा का काम जो है, इन्हीं में से कलाकारों ने पहले स्टेज पे काम किया, वहाँ पे रामलीला का अंतिम दिन था वो इन्होंने तैयार मतलब पूरा मुकम्मल किया, और उसके बाद ये सभी लोग जो हैं आप देख सकते हैं इनमें 60 की उम्र के भी हमारे चाचा जी जो हैं वो काम लगे हुए हैं, और बच्चे जो छोटे हैं मतलब 15-20 उम्र की भी यहाँ पे लगे हुए हैं, और ये काम जोरों शोरों से चल रहा है। और सेवादार से पूछेंगे कि जो आपने ये सामान लाया था आज, थोड़ा बताएंगे।
आपने किसकी किसकी पराली उठा के लाए हैं थोड़ा ये बता दे। ये पुतला जो है तैयार हो रहा है, कम से कम 10 बंदे एक पुतले को लगे हुए हैं, मुझे लग रहा है ये आधे घंटे में ही इसको तैयार कर देंगे। ये प्योर बासमती की पराली लगी है इसको। अच्छा, इसमें आग जल्दी पकड़ती है जैसे? बिल्कुल, और सफाई भी ज्यादा आती होगी। तो आप हमें बता दें ये बासमती जो है इधर अभी इसको इसकी जो फांडी है वो शुरू हो चुकी है? शुरू हो चुकी है। ये आप किसकी पराली लाए हैं थोड़ा बताएंगे? आपने किसी की चोरी उठाई अभी रात के समय? ये आपने दिन को अपने सतपाल सर्वे किया था, लड़के से पूछा था। तो एक गठी हमने उस वक्त भी लाई थी। अच्छा, और उन्हें कहा था कि ये अच्छा काम है, पुण्य वाला काम है, राम सेवा है, तो आपको जितनी चाहिए होगी तो आप ले जाना। तो अभी दो एक फिर हमने अभी ले आए। तो एक वीडियो जैसे हमने दोपहर में बनाई थी काई, जो काई लाई हुई थी वो भी बड़ी मुश्किल से बन के उधर गए थे काई लाने। तो हम इनसे पूछते हैं जो गए हुए थे काई लाने के लिए, आप बताएंगे उस समय अभी रात के 1:30 बज रहे हैं, 2 बज रहे हैं, उस समय दोपहर के 1-2 बज रहे थे, तब भी आप उधर थे, अभी भी आप इधर हैं। तो आप ऐसी क्या चीजें खाते हैं जो इतनी आप में पावर है कि आप अभी भी इधर हैं, उधर भी थे? हम काजू बादाम खाते हैं ना। अच्छा, अफगानिस्तान वाले? हाँ हाँ, ठीक है जी, अफगानिस्तान वाले काजुओं का कमाल है। और लगता है आज जो आप कड़ाह बनाएंगे उसमें भी वही डालेंगे? वही डालेंगे। कितना डालेंगे उसमें कुछ बता सकते हैं? 2 kg घी डालेंगे। अच्छा, 1 kg काजू डालेंगे। अच्छा, 1 kg बादाम डालेंगे। जी जी, मतलब अच्छी चीज बना के आप खिलाओगे। तो जब आप उधर दोपहर में गए थे क्या क्या चीजें लाई थी आपने वहाँ से, अपना जो उधर बन के पार से जो काई लेने गए थे वो कैसा रहा काम? वो फ्रूट लाया उधर से। अच्छा, आपको एक उधर सूअर भी मिला था? सूअर मिला, छोटा बच्चा मिला उधर से। अच्छा, बच्चा था, भाग गया होगा फिर वो? छोटा बच्चा था, भाग के चला गया। अच्छा, तो ये इस समय थोड़ा दिल बहलाने के लिए इनके साथ बातचीत कर रहे हैं। तो मिस्त्री साहब से भी थोड़ी बातचीत करनी जरूरी है। पहले तो आप आज इनको मुबारक भी देते हैं, लेकिन उसी के साथ गम भी है क्योंकि भाई का साया आज इनके सर से उठ गया है। ये रावण के भाई विभीषण का रोल करते हैं और आज विभीषण जी इतने खुश नहीं हैं, लेकिन फिर भी जो है इन्होंने धर्म का साथ दिया और आज ये हमारे सामने बैठे हुए हैं धर्म का साथ देकर। विभीषण जी जय श्री राम। जय श्री राम। तो आप बताएंगे आज आपको कैसा लग रहा है, जैसे आज रामलीला खत्म होने पे आ गई और आप विभीषण का किरदार निभाते हैं, तो भाई की मतलब एक किस्म से हत्या हुई आपके सामने, आपके सामने वीरगति को प्राप्त हुए, तो आप कुछ बताएंगे इस बारे में कैसा लग रहा है, कैसा लगा आपको ये रोल करके? जी, रोल करके मुझे अच्छा लगा, दुख तो है, दुख के साथ साथ खुशी भी आ गया हमें। बिल्कुल, तो ये आपने धर्म का साथ दिया, मतलब हिस्ट्री तो पीछे से चलती आ रही है। हाँ। लेकिन आपको कैसा लगता है जब आप करते हैं ये विभीषण का रोल, आप कैसा फील करते हैं उस समय? अच्छा फील करता हूँ। अच्छा, तो आपको ऐसा नहीं लगता कि आप पहले मतलब अधर्म के साथ होते हैं फिर आप चेंज करके आते हैं अपने अपने भाई का, मतलब आप पल्ला छोड़ के आते हैं, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? उसके बारे में क्या कहना है, जैसे रीत चली आ रही है वैसे ही हम, मतलब धर्म का साथ देना जरूरी है चाहे वो रावण का भाई क्यों ना हो। तो ये थे हमारे विभीषण जी, हम इनको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे क्योंकि ये अभी थोड़ा मजाक में अगर हम ले लें तो ये अभी संस्कार का सामान इकट्ठा कर रहे हैं, लकड़ी इकट्ठी कर रहे हैं। तो अभी हम कुछ और बंदों से मिलाएंगे, आपको तरोताज़ा करते रहेंगे। तो ये सुबह से पुतले बनाने का काम कर रहे थे लेकिन शर्माते बहुत हैं ये, जब रस्ते इनका मुंह सामने लाएंगे हम थोड़ा सा, अगर जे लाते हैं तो। तो इधर हमारे एक कलाकार जो खूब तालियां बटोरते हैं, इनसे ज़्यादा कोई तालियां नहीं बतोर पाता है सीन करके, बहुत ही बखूबी सीन निभाते हैं और पूरा ऐसे बोलते हैं फराटेदार। मैं ऐसा कहना चाहूँगा कि ये टीवी में जो रामायण आती थी उसके मेघनाथ को फेल कर सकते हैं, तो यही हमारे सामने है। एक बार ताड़ियाँ होनी चाहिए इनके नाम के लिए। तो हम तो इनको जय श्री राम ही बोलेंगे, वैसे ये रावण वाली साइड होते हैं, बोलेंगे हम जय श्री राम ही। जय श्री राम। तो आज रामलीला का समापन होने पे आ गया, कैसा लग रहा है आपको? देखिए, जैसे कोई छोड़ जाता है ना, उससे भी ज़्यादा दुख हो रहा है। इतने दिन से हम 9-10 दिन से
लगे तैयारी तो एक महीना पहले से चल रही है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन ये जो 9-10 दिन निकले हैं हमारे, आज लास्ट दिन है, तो ऐसे हो रहा है मतलब बहुत कमी ऐसे दिल को महसूस हो रहा है। तो बाकी अच्छा निकल गया समय, बहुत अच्छा, बहुत तो अच्छा। मुझे ये आप जी बताइए, जब आप अपना किरदार निभाते हैं वहाँ पे, रोल करते हैं मेघनाथ का, तब आप कैसा फील करते हैं कि आप, आपको एक मतलब आपने धर्म भी निभाया, आपको कोई अधर्मी नहीं बोल सकता क्योंकि पिता का धर्म आपने निभाया है, अपने पिता की आज्ञा को आपने ठुकराया नहीं। लास्ट में अंत में आपको पता भी चल जाता है कि मैं भगवान के साथ ही युद्ध कर रहा हूँ। जो किरदार निभाया आपने, जो हिस्ट्री बताती है हमारी, तो आप उसमें किरदार निभाते हैं, आपको कैसा लगता है वो रोल करके? देखिए ये तो मैं बयान नहीं कर सकता कि इतना मतलब अच्छा मुझे किरदार मिला है जी, और मैं बड़े मेहनत करके उसको बहुत अच्छी तरह से निभाता हूँ। जब भगवान की कृपा है, दिमाग में सब कुछ मतलब बैठ जाता है, कोई प्रॉम्प्ट की ज़रूरत नहीं है मुझे, सब कुछ अच्छा होता है। और जितने भी यहाँ व्यूअर बैठे थे देखने वाले, सबनों ने मुझे बधाई दी कि वाकया आपका रोल देखने लायक था। हमारा पूरा रामलीला का जो हमने मेहनत किया, रोज देखने आते थे, वो पूरा हमारा आज थकावट निकल गई। इतना मतलब आज मुझे बधाइयाँ मिली, तो सब उस भगवान की कृपा है। तो देखेंगे, अगर ठीक ठाक रहे, जिंदा रहे, तो आगे भी चलता रहेगा, ऐसी बात नहीं है जी। तो और अच्छा ये थे हमारे साथ हमारे मेघनाथ का रोल करने वाले लेखराज जी, तो काफ़ी अच्छा रोल करते हैं जी। अगर आपको, आपने इनका रोल देखना होगा, इनकी एक्टिंग देखनी होगी, तो हमारा जो यूट्यूब चैनल है शिव मंदिर केसो, उसके ऊपर आप लॉग इन करके जो लास्ट दिन वाली खासकर है जो वीडियो वो देखेंगे, तो आप, मुझे लगता है आप 10 में से 11 नंबर ही देंगे इनकी एक्टिंग को। तो बहुत अच्छा था। अभी हम मिलाते हैं किसी और बंदे से आपको। जी हाँ, हम मिलाते हैं आपको राजेश्वर जी से। जय श्री राम। जय श्री राम जी। तो आज आप बताएं जी, रामलीला का समापन हुआ जी, आपके हाथों से ही मेघनाथ को अंतिम विदाई दी, अंतिम जो बाण आपने चलाया मेघनाथ के लिए, तो आप ही के हाथों से ये काम हुआ जी। दर्शकों ने खूब तालियां आपको, आपकी प्रशंसा में बजाई। अच्छा, काफ़ी अच्छा रोल निभाते हैं आप, जैसा कि सब जानते हैं। आपकी एक्टिंग को देखना हो तो शिव मंदिर के शो का यूट्यूब चैनल है, वहाँ पे लॉग इन करके देख सकते हैं जी। तो आप अपना हमें ये बताएं कि आज रामलीला समापन होने पर आई है, सबसे पहले ये बताएं कि आपको कैसा फील हो रहा है जी? देखो, इतने दिनों से रामलीला चल रही थी, सभी खुश थे, अच्छा था, सभी कोई ना कोई अपना किरदार निभा रहे थे। मैं इस बार तो मैं लक्ष्मण का कर रहा था, तो जैसे आज अंतिम चरण में थी, आज जैसे रावण का वध हो गया, मेघनाथ का हो गया, कुंभकर्ण हो गया, तो आज ये है कि जो हम इतने दिनों से खुशी मना रहे थे, कहीं ना कहीं थोड़ी सी मायूसी आती है। वो इसलिए कि कल के बाद, अभी कल तो चलो एक है फाइनल सीन जो है वो है, उसके बाद कल के बाद, कल नहीं, हम उसको आज ही बोलेंगे क्योंकि अभी रात के 2 बज चुके हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी, वो सही है। तो ये है कि ख़त्म हो जाएगा कल के बाद, जैसे हम सारे लोग इकट्ठा होते थे, वो चीज़ देखने को नहीं मिलेगी, सभी अपने अपने कामों में व्यस्त हो जाएंगे। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहता है, मज़ा आता है रामलीला करने का। तो मैं यही भगवान से प्रार्थना करूँगा कि हर साल ऐसे ही खुशी से ये दिन आए, हमारे जो भी कार्यकर्ता हैं वो मिलजुल के रहें, काफ़ी अच्छा लगता है। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जैसे आपने अपना किरदार निभाया, अभी अंतिम में रावण की जब मृत्यु होने पे आई होती है जी, जब वो गिर गए होते हैं नीचे, तो आपको कुछ शिक्षा देते हैं, मैं चाहूँगा आप जो शिक्षा हमारे दर्शकों के साथ साझा करें जी। जी, आपको क्या बोल के शिक्षा दे के जाते हैं जी? देखो जी, जो शिक्षा है वो कहीं से भी आप प्राप्त कर सकते हैं। तो जब रावण जी उपदेश देते हैं